بسم الله الرحمن الرحيم وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. आपको बताओ सैयदना अमीरे मुआविया रजी अल्लाह तआला ने बहुत बड़े आशिक रसूल थे, ऐसे वैसे नहीं। आप जानते हैं सैयदना अमीरे मुआविया रजी अल्लाह तआला के पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चादर मुबारक था, आपके पास हुजूर पाक का कमीज़े मुबारक था, आपके पास हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तहबंद मुबारक था, आपके पास हुजूर पाक का मुए मुबारक शरीफ था, आपके पास हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाखून के तराशे भी थे। सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु सन 60 हिजरी में जब विसाल फरमाते हैं, आप फरमाते हैं ऐ मेरे जानशीनो कान खोल कर सुन लो, जब मैं दुनिया से विसाल कर जाऊं, मैं कूच कर जाऊं, मैं दुनिया से रहलत कर जाऊं, तो मुझे गुस्ल देने के बाद हुजूर का तहबंद मुबारक मुझे पहना देना, हुजूर का कमीज़े मुबारक मुझे कुर्ते की जगह पहना देना, हुजूर की चादर मुबारक में मुझे लपेट देना, हुजूर के जो मुए मुबारक हैं मेरी पेशानी पर रख देना, हुजूर के जो नाखून के तराशे हैं वो मेरे चेहरे पर रख देना, मैं समझता हूँ इन्हीं तबर्रुकात की वजह से मेरी मगफिरत हो जाएगी। सुभानअल्लाह, अरे तड़प के बोलो यार, ऐसे आशिक रसूल अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाहु अकबर, आप बहुत ही अजीम हैं। सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु की बहुत ही ऊंची शान है। काब बिन ज़ुहैर बहुत बड़ा कुफार था, ये बहुत बड़ा मुशरिक। कौन? काब बिन ज़ुहैर। अभी काब बिन ज़ुहैर बोल रहा हूँ मैं, फिर थोड़ी देर के बाद रजी अल्लाह तआला अन्हु बोलूंगा। अभी मैं हालत कुफ्र की बात कर रहा हूँ। काब बिन ज़ुहैर रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के मौके पर हुक्म दिया, सबको माफ कर दो, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं वो मिले थे उन्हें, मौत के घाट उतार दो, उसे कत्ल कर दो, उसे फिन्नार कर दो। उनमें से काब बिन ज़ुहैर भी था जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के वक्त खत्म करने का हुक्म दिया था। ये भेस बदल कर रसूल अरबी रसूल वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आता है, भेस बदल कर आता है, अर्ज करता है या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम, अगर ज़ुहैर को मैं पकड़ के लाऊं तो आप उसे क्या सजा देंगे, क्या आप उन्हें माफ कर देंगे? भेस बदल के आया था। गैब दान नबी फरमाते हैं ज़ुहैर जा, मैंने तुझे माफ कर दिया। ऐ ज़ुहैर, ऐ काब बिन ज़ुहैर जा, मैंने तुझे माफ किया। उसी वक्त वो अल्लाह अकबर इस्लाम लाता है, मुशर्रफ पे इस्लाम होता है, हल्का बगोश इस्लाम होने के बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में शेर पढ़ता है। वो शेर में लिख के लाया हूँ, अन्न रसूल लनूरुन युस्तज़ाउ बिही मुहन्नदुम मिन सुयूफिल्लाहि मसलूल। अल्लाहु अकबर, वो कहते हैं अन्न रसूल लनूरुन युस्तज़ाउ बिही, बगैर किसी शक के, बगैर किसी शुबा के अल्लाह के रसूल नूर है। सुभान अल्लाह, युस्तज़ाउ बिही, ऐसा नूर जिसके जिससे सारा जमाना चमक रहा है, मुहन्नदुम मिन सुयूफिल्लाहि मसलूल, और ये अल्लाह की तनी हुई तलवार है। सुभान अल्लाह, गोया के इमाम इश्को मोहब्बत ने हज़रत काब बिन ज़ुहैर के इसी शेर का तर्जमा उर्दू में किया है।
चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जब उन्होंने ये शेर पढ़ा तो सैयदना रसूल आज़म अलैहिस्सलाम ऐसा खुश होते हैं, खुशी का इजहार फरमाते हैं, अपनी चादर मुबारक बदन से उतारते हैं, काब बिन सुहेर के बदन पर फेंक देते हैं। अल्लाहु अकबर। सहाबा के जमाने में, रसूलुल्लाह के जमाने में सहाबा का दस्तूर था, रसूल आज़म का दस्तूर था, जब कोई बात पसंद आती थी तो अपने बदन की कमली या चादर उतार कर उसे तोहफे में दे दिया करते थे। हुजूर के बदन पे चादर मुबारक थी, वो चादर तत्हीर। अल्लाहु अकबर। जिसे सैयदना आयशा अगर दिन में बगैर बारिश के मौसम में सर पे डाल ले तो कहती है, या रसूलल्लाह झमाझम बारिश हो रही है, आप भीग गए हैं, गीले हो गए होंगे या रसूलल्लाह। आका फरमाते हैं, आयशा ऐसा नहीं है, तुमने क्या ओढ़ रखा है, तुमने मेरी चादर ओढ़ रखी है और मेरी चादर पर, मेरे कपड़ों पर 24 घंटे अल्लाह की रहमत बरसती रहती है। जो बारिश तुम देख रही हो वो आसमान का बारिश नहीं है, वो रहमत इलाही की बारिश है। सुभान अल्लाह। वो चादर तत्हीर सैयद रसूल आज़म अलैहिस्सलाम काब बिन सुहेर के बदन पर फेंक देते हैं। अब देखो यहां पर नुक्ता कितना अजीम है। सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, ए काब बिन सुहेर, 20,000 दिरहम तुझे देता, तवज्जो चाहूंगा, 20,000 दिरहम चांदी के सिक्के होते हैं और दीनार सोने का सिक्का होता है। आपका इश्क रसूल देखिए, सैयदना अमीर मुआविया का, दुनिया के ये लानती लोग राफ़िज़ी मेरे नबी के सहाबा की शान में गुस्ताखियां कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर। ये खुद लानती हैं, ये खुद खारिज इस्लाम है। अल्लाहु अकबर। क्या फरमाते हैं, है काब बिन सुहैर, वो चादर मुबारक जो रसूलुल्लाह ने तुम्हें तोहफे में दिया था, तुमने जो हुजूर की शान में वो शेर पढ़ा था, वो चादर मुझे तोहफे में दे दो, इसके एवज में मैं तुम्हें 20,000 दिरहम देता। कितना दिरहम? अरे तड़प के बोलो सुन्नी मुसलमानों, 20,000 दिरहम देता हूँ। जनाबे काब बिन सुहैर भी छोटे मोटे आशिक थोड़ी ना थे, बोला मरते दम तक नहीं दूंगा, पूरी दुनिया की बादशाहत दे देगा तब भी तुझे नहीं दूंगा ये चादर। अल्लाह अकबर। जब जनाबे काब बिन सुहैर का विसाल पुरमलाल हो जाता है, उनका इंतकाल हो जाता है, उनका विसाल हो जाता है, तब जनाबे अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु उनके वरसा के पास जाते हैं, उनके घर वालों के पास जाते हैं, कहते हैं वो क्या कहते हैं चादर मुबारक, मैं तुम्हें 20,000 दिरहम देता हूँ, ये चादर तुम मुझे दे दो। उनके वरसा ने वो चादर ले लिया। सैयदना अमीर मुआविया जब खिलाफत नशी हुए, बादशाह हुए, तख्त पर बैठे, तो हमेशा तख्त पर बैठते वक्त वो चादर मुबारक अपने जिस्म पर रखा करते थे। और आपके विसाल के बाद जब तक बादशाही जमाना चलता रहा, वो चादर मुबारक तमाम बादशाहों ने अपने जिस्म पर रखा। सुभान अल्लाह। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बहुत ऊँची शान है। अगर आप फासिक व फुज्जार होते और आप अगर लानती होते तो अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया आपसे बेशुमार हदीसें रिवायत हैं। आपकी हदीस को इमाम बुखारी ने लिया है, आपसे हदीस को इमाम मुस्लिम ने लिया है, हजरत इमाम तिर्मिजी ने लिया है, इमाम अबू दाऊद ने आपसे हदीस लिया है, इमाम नसाई ने आपसे हदीस लिया है, इमाम बहकी ने आपसे हदीस लिया है, मुस्नद इमाम अहमद ने आपसे हदीस लिया है। इन तमाम किताबों में अमीर मुआविया की हदीसें मजकूर हैं। अगर आप लानती होते इन तमाम आइमा इनसे हरगिज हदीस न लेते। हजरत अमीर मुआविया के पास, अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया ये शान है। आपकी क्या ऊंची शान है? सैयदना अमीर मुआविया तमाम अहले सुन्नत का मुत्तफ़िका फैसला है। सहाबा के दरमियान जो भी जंग हुआ, मुशाजरात हुए, इन मामलात में हमें पढ़ना नहीं है। दरअसल में ये खताए इज्तिहादी था और खताए इज्तिहादी पर एक सवाब मिलता है, इसीलिए हमारा इमाम इश्को मोहब्बत फरमाते हैं, अहले सुन्नत का बेड़ा पार है। अस्हाबे हुजूर अहले सुन्नत का बेड़ा पार है। अस्हाबे हुजूर
नज्म है और नाव है फितरत रसूलुल्लाह की। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हो जलीलुल क़द्र सहाबी हैं, यहाँ तक के आपसे 163 हदीसें रिवायत हैं, मशकूर हैं। और उन हदीस लेने वालों में हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास भी हैं, सहाबा की बात कर रहा हूँ। हजरत इब्ने अब्दुल्ला इब्ने अब्बास हैं, अब्दुल्ला इब्ने उमर हैं, अब्दुल्ला इब्ने सुबैर हैं। आपसे हदीस लेने वालों की फहरिस्त में हजरत अबू दर्दा हैं, हजरत जरीर बजली हैं, हजरत नुमान बिन बशीर हैं, ताबईन में से सईद इब्नुल मुसय्यिब हैं, हुमैद इब्ने अब्दुर्रहमान हैं। रसूल आजम ने अमीर मुआविया के लिए दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा अजअलहु हादियम महदिया, ऐ अल्लाह तू अमीर मुआविया को हिदायत वाला बना और हिदायत याफ्ता बना। क्या ऊंची शान है सैयदना अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु की। अभी फिलहाल भद्रावती का एक कमीना इंसान, क्या नाम है उसका, करीम नाम भूल गया, भद्रावती के लानती मौलवी ने सैयदना अमीर मुआविया के शान में गुस्ताखी किया और आपको लानती कहा, आपको काफिर कहा, नौस बिल्ला अस्तग़फिरुल्लाह। उसके हवाले से मुनाजरे की भी दावत दी गई और कई मीटिंगें हो चुकी हैं उलमा की। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया राफ़सी गली गली घूम रहे हैं, डगर डगर घूम रहे हैं। अगर कोई राफ़सी आपको मिले और वो अहले बैत के शान में, अहले बैत से मोहब्बत करना गलत नहीं है, अहले बैत से हम लोग भी मोहब्बत करते हैं, हम अहले बैत वाले भी हैं और हम सहाबा वाले भी हैं, हम अहले बैत वाले भी हैं और सहाबा वाले भी हैं, क्योंकि रसूलुल्लाह की हदीस है क्या, असहाबी कन नजूम बिअय्यहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम मतलु अहले बैती का सफीनते नू, मेरे सहाबा यानी मेरे सहाबा चमकते हुए सितारे हैं, इनमें तुम जिनकी भी इक्तदा करोगे हिदायत पा जाओ। और अगर तुम इनसे क्या कहते हैं, फमन रकेबा नजा वमन तखल्लफा अनहा, जो अहले बैत की कश्ती में सवार हो जाएगा वो कामयाब हो जाएगा और जो मुखालिफत करेगा वो तबाह हो जाएगा, गुमराह हो जाएगा। हम सुन्नियों के हाथ में पंजतन का भी दामन है, अहले बैत का भी दामन है, और हम अहले सुन्नत वल जमात के एक हाथ में अहले बैत का दामन है और दूसरे हाथ में सिद्दीको उमर उस्मानो हैदर, 1,24,000 कमोबेश 2,24,000 सहाबा का दामन है, हम अहले सुन्नत वल जमात है। ये राफ़सी लोग सिर्फ अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, सिर्फ अली से मोहब्बत करते हैं, हसन हुसैन से मोहब्बत करते हैं, अमीरे मुआविया की शान, अमीरे मुआविया की शान में गुस्ताखियां करते हैं, इसलिए ये लोग लानती हैं। और खारजी वो है जो अहले बैत की शान में बकवास करता है, अहले बैत को बुरा भला कहता है, सहाबा से मोहब्बत करता है, वो क्या करता है, सहाबा से मोहब्बत करता है। जो सिर्फ सहाबा से मोहब्बत करे, अहले बैत से मोहब्बत ना करे, वो खारजी होता है। और जो सिर्फ अहले बैत से मोहब्बत करे सहाबा से, जो सिर्फ अहले बैत से मोहब्बत करे वो क्या है, राफजी होता है। इन राफजियों की घिनौनी हरकतों से बचना, अपनी औलादों को बचाना। ये लोग पैसे भी खर्च करते हैं, स्कूल का ट्यूशन भी कादियानियों की तरह फ्री कर देते हैं, यूनिवर्सिटी फ्री कर देते हैं। इस तरीके से मुसलमान ईमान वालों के ईमान पर शब खून मारते हैं। अल्लाह ताला हमें और आपको राफजियों के फिस्को फजूर से बचाए, और अल्लाह ताला हमें और आपको तमाम सहाबा के सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वही रास्ता जो आज से कुछ दिन पहले क्या कहते हैं, इमाम इश्को मोहब्बत ने दिया था, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले, लहद में इश्के रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, आले सुन्नत का बेड़ा पार है, अस्हाबे हुजूर नज्म है और नाव है, इतरत रसूलुल्लाह की।